हम बात करना चाहते। तुम कहाँ जा रही हो? रुको, तुमसे कोई बात छिपी है क्या? हेलो हसीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बहुत खुश हूँ शबनम, सिकंदर लौट आए मेरे पास। रिली, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। आज हम खाना भी साथ में खाएंगे, उसके बाद उनकी लंदन की फ्लाइट, वो यहीं से चले जाएंगे। सिकंदर की नाराजगी दूर हो गई, ये करिश्मा हुआ किसे? मैं दिन रात नमाजें पढ़ती रहती, दुआएं मांगती रहती और अल्लाह ने मेरी सुन ली। शबनम, एक और अच्छी खबर है, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम तो एक के बाद एक इतनी अच्छी खबरें देती जा रही हो कि यकीन करना मुश्किल हो रहा है। हसीना माँ बनने वाली है, मेरी तरफ से भी उसे मुबारकबाद देना। हसीना, इस वक्त सुरैया मेरे साथ है, तुम्हें मुबारकबाद दे रही। उनको मेरा आदाब कहिए। शबनम, मुझे तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना है और तुमसे माफी भी मांगनी है। शुक्रिया और माफी दोनों एक साथ, इसलिए? शुक्रिया इसलिए क्योंकि आपने मेरा बहुत साथ दिया है, और माफी इसलिए क्योंकि मैंने आपके और सिकंदर के ताल्लुकात पर शक किया। हसीना, मेरी छोटी बहन जैसी, ये तकल्लुफात रहने दो। शबनम, आपसे एक और गुजारिश है, आपको जब भी वक्त मिले आप यहाँ मेरे साथ आकर रहिए। मैं जरूर आऊंगी। हसीना, तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है ना शबनम, काश तुम्हारे जैसा सब्र मुझ में होता ना तो मेरा शोहर अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझता। हसीना, मुझे अब मेरी बहन जैसी लगती, मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी। मेरी रवानगी के वक्त रो मत हसीना, वरना तुम्हारा यही चेहरा मेरी नजरों के सामने घूमता रहेगा और मुझे बेचैन कर देगा। अब नहीं रोऊंगी, की कसम। अपना ख्याल रखना और हमारे आने वाले मेहमान का भी। आप तो बहुत बिजी हो गए होंगे वहां जाकर, लेकिन मेरा वक्त काटते ही नहीं कटता। जब आपकी बहुत याद आती है तब आपकी तस्वीरों से बातें करती हूँ। रात को हर तरफ इतना सन्नाटा रहता है कि मैं हमारे होने वाले बच्चे की आवाज तक सुन सकती हूँ। वो मुझसे पूछता है, अब्बू कब आएंगे? आप अपनी सेहत का ख्याल तो रख रहे हैं ना? ज्यादा काम मत कीजिए, बस मेरा एक काम जरूर कीजिए। बेटा होगा या बेटी ये तो नहीं पता, इसीलिए आप दोनों नाम सोचकर मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज, आपको बहुत सारा प्यार। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है बेटा? औलाद वो नेमत है जिससे अल्लाह हर औरत को नवाजता है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, और फिर हम लोग भी तो है ना।
मुबारक हो, बेटा हुआ है। अम्मी जान मुबारक हो, आप नानी जान बन गई। तुम भी तो मुवाली बन गई। मुबारक हो साजिद मियां, आप दादा बन गए। मुबारक हो आलिया, मुबारक हो, तुम दादी बन गए। आपको भी मुबारक हो। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र। हमेशा मेरे साथ रहोगे, अपने अब्बू के साथ। अम्मी ये कैसा बच्चा है, जरा भी नहीं रोता। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। जब हसीना छोटी थी ना, बिल्कुल नहीं रोती थी, है ना? चारों तरफ लोगों को देखकर हंसती रहती थी। अम्मी इसका नाम क्या रखेंगे हम? मुजफ्फर, मुजफ्फर नाम रखेंगे इसका। मैंने जब सिकंदर से पूछा तो उन्होंने यही नाम बताया। अच्छा, बहुत अच्छा नाम सुझाया है सिकंदर ने। मुजफ्फर का मतलब जानती हो? नहीं अपू। मुजफ्फर का मतलब है जिसकी हमेशा जीत होती है। हाँ, इंशाल्लाह ये बच्चा हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। निलोफर, कल मॉल चलते हैं और अपने इस नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आते हैं। चुप पागल, इतना छोटा बच्चा खिलौनों से खेलेगा? अम्मी मुझे याद है, मैं तो खेलता था। बावला हो गया। अरे कोई बच्चे से भी तो पूछो कि इसे अपना नाम पसंद है कि नहीं। क्यों मुजफ्फर मियां, तुम्हें अपना नाम पसंद है? अरे किलकारी तो सुनो उसकी। आया आया, पसंद आया, बहुत पसंद आया। क्यों छोटे मियां? शाहिद, कल जरा इसके नाम का सबका करे आना। मैंने कुछ पैसे अलग से निकाल के रखे हैं। और हाँ, मदरसे में जाकर इसके नाम का दान करे आना यतीम बच्चों में। जी अम्मी। बेटा इतना तेज नहीं दौड़ते, गिर पड़े तो। मुजफ्फर इतना तेज मत दौड़ो, मुजफ्फर संभाल के। अम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, पायस का। हाँ, मेरा बच्चा अब बड़ा हो गया। मुजफ्फर और मैं, हम दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। कल हमने मुजफ्फर की 5वीं सालगिरह मनाई। आपको बहुत याद किया मैंने। तुमने उसकी लेटेस्ट तस्वीर क्यों नहीं भेजी? सालगिरह की तस्वीरें आज ही मेल करती हूँ मैं आपको। बहुत याद आती है मुझे अपने बेटे की। तुम उसके साथ मेरे बारे में बात करती हो या नहीं? उसे मेरी तस्वीरें दिखाया करो और उससे हमेशा कहो कि उसके डैडी उसे बहुत प्यार करते हैं। सिकंदर, आपको कभी मेरी याद आती? आप हमेशा मुजफ्फर की बातें करते रहते हैं, मेरे बारे में कभी नहीं पूछते। ये कैसा सवाल है? तुम मेरे बेटे की माँ हो, तुम्हें कैसे भूल सकता हूं मैं? एनीवेज, इस वक्त मैं ऑफिस में हूं, कल बात करेंगे हम। खुदा हाफिज। जल्दी जल्दी खाना खा लो। हाँ, 5 साल का हो गया माशाल्लाह, अब इसे अपने आप खाने दो। अम्मी ये तो खाना चाहता है, लेकिन मेरा दिल करता है मैं इसे अपने हाथों से ही खिलाऊं। लो बेटा।
सिकंदर का कोई फोन वोन आया? तुम्हें बुलाने वाला था ना? वीजा तो भेजा नहीं उसने अब तक। अम्मी वो कह रहे थे कि उन्हें अक्सर यूरोप के दौरे पर जाना पड़ता है, वो हम दोनों को अकेला छोड़ के कैसे जाएंगे? वापस कब आ रहा है? कह रहे थे कि बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये नहीं पता। बेटा